दोस्त, हमारे सॉफ्टवेयर में डेली वाइज जो एंट्री हम करते हैं उन्हें देखने के लिए हमने कौन से ऑप्शन पर जाना है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। डेली वाइज जो हम एंट्रियाँ करते हैं उन्हें देखने के लिए हम उसको डिस्प्ले के लिए हम बुक्स पर जाएंगे। बुक्स पर जाने के बाद में हम एंट्री बुक पर जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, हमने अगर सभी एंट्रियाँ देखनी हैं तो हमने डे बुक पर जाना है। डे बुक पर जाने के बाद में हमने यहाँ पर F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद में जितने पीरियड की हम एंट्रियाँ देखना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डेट दे देनी है। डेट देने के बाद में यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1/3 से लेके 31/3 तक सभी एंट्रियाँ ओपन कर ली हैं। इनमें सेल्स की, परचेज की, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा सभी एंट्रियाँ इसमें शो कर गई हैं। अगर दोस्तों हम अलग अलग एंट्रियाँ अलग अलग वाउचर वाइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ से मैं ESC से बैक आ जाता हूँ। दोबारा बुक पर जाऊँगा। बुक पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने सिलेक्टेड बुक पर जाना है। यहाँ से हमने डेट प्रेस करनी है। जितना पीरियड का हम यहाँ पर देखना चाहते हैं हम प्रेस कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1/3 से 31/3 तक प्रेस कर दिया है। दोस्तों, आगे सिलेक्टेड लेजर में अगर स्पेसिफिक कोई लेजर देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम यस कर देंगे, अन्यथा नो रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर अगर सेल्स की एंट्रियाँ देखनी है तो सेल्स पर हमने स्पेस बार प्रेस कर देना है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने परचेज की एंट्रियाँ शो करनी है। डाउन एरो दबा के हमने स्पेस बार प्रेस करना है। इसी प्रकार हमने रिसिप्ट की एंट्री देखनी है तो हमने डाउन एरो दबाया है और इसके बाद में हमने स्पेस बार प्रेस किया है। दोस्तों, अगर जो एंट्री हम नहीं देखना चाहते, जैसे हमने पेमेंट की एंट्री नहीं देखनी है तो हम दोबारा स्पेस बार प्रेस कर देंगे। इसी प्रकार जनरल की एंट्री नहीं देखनी है तो हमने यहाँ पर स्पेस बार प्रेस कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर सभी एंट्रियाँ हम देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके बाद में हमने कंट्रोल के साथ W प्रेस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो जो सिलेक्ट किया है, जो जो वाउचर सेलेक्ट किए हैं वो सभी वाउचर यहाँ पर शो हो गए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हम अगर सेल्स का ही वाउचर देखना चाहते हैं या जर्नल वाउचर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर जर्नल बुक पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने डेट प्रेस करनी है और यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। जो भी 1/3 से लेके 31/3 तक जर्नल की एंट्रियाँ की हुई हैं वह हमारी सभी शो हो चुकी हैं। इसी प्रकार हम स्पेसिफिक सभी वाउचर्स की डिटेल हम इन ऑप्शंस पर एंटर करके देख सकते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ पर रिसिप्ट बुक देखना है तो इसके लिए हमने रिसिप्ट बुक पर एंटर कर दिया है। 1/3 से लेके 31/3 तक हमने शो किया है। शो करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर रिसिप्ट हुआ है, वो सभी रिसिप्ट शो कर गया है। यहाँ पर रिसिप्ट चाहे बैंक से हो चाहे कैश हो, वो सभी प्रकार का रिसिप्ट हमें यहाँ पर शो कर गया है। और यहाँ से हमने ESC से बैक आ जाना है। दोस्तों, इसी प्रकार हम पेमेंट वाउचर भी देख सकते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर देख सकते हैं, सेल बुक देख सकते हैं, परचेज बुक देख सकते हैं, लेजर डे बुक देख सकते हैं और आइटम डे बुक देख सकते हैं। आइटम डे बुक के लिए हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। 1/3 से लेके 31/3 तक
जो भी आइटम परचेज या सेल हुई है हमें आइटम वाइज शो कर देगा और साथ में क्वांटिटी भी शो कर देगा, कौन सी आइटम हमारी इस पीरियड के दौरान सेल या परचेज हुई है। दोस्तों यहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये डे बुक की एंट्रियाँ समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।